नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। शाड़ौरा में प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रों को लाभ न देने तथा अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इंदिरा कॉलोनी वासियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंप कर कार्यवाही की मांग की है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि कुछ लोगों को चरनोई भूमि में ही प्रधानमंत्री आवास प्राप्त हो गया है, जबकि कुछ लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष निखिल रघुवंशी एवं वार्डवासियों ने ज्ञापन सौंपकर तहसीलदार विनीत गोयल से जांच की मांग की है। पिछले 6 महीने में अनियमितताओं के विरुद्ध समय समय पर लोगों द्वारा नगर परिषद का घेराव किया गया है। लगातार कुटियों को लेकर जो इस प्रकार से अनियमितताएँ सामने आ रही हैं, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज यहाँ पर सब लोग करीबन 10-15 दिन से सड़क पर बैठ रहे हैं। महिलाएं अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं एकत्रित हुई हैं। पुरुष परेशान हो रहे हैं। इस टाइम देखो, कटाई का समय चल रहा है, लोग बाग अपनी मजदूरी छोड़कर अपनी हक की लड़ाई के लिए आगे आ रहे हैं। इनकी हक की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है। और आप जैसा कि देख रहे हैं, ये लोग करीबन 15 दिन से नगर पंचायत के चक्कर काट काट कर परेशान हो गए। आज हमारे साथ ये तहसील पर आए हैं और इन लोगों की एक ही मांग है, ये वार्ड नंबर 8 के हैं। वार्ड नंबर 8 में क्या है, कुछ लोगों की चरणों में कुटी डर चुकी है और चरणों में ही है। जब उनकी चरणों में कुटी डल चुकी हैं तो इनकी क्यों नहीं डल रही? इनका बोलने का तात्पर्य यही है, इनका कहने का तात्पर्य यही है कि जब उनकी चरणों में कुटी आ गई तो हमको क्यों नहीं, हमको समानता का अधिकार क्यों नहीं, हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है। ये नहीं बोल रहा कि उनकी कुटीरें आप हटाओ, उनकी कुटीरें बन गई। जे लोग उनको बधाइयाँ भी दी हैं, इन्होंने अपने वार्ड 8 में उत्साह भी मनाया है कि जो हमारे साथ ही हैं उनकी कुटीरें आ चुकी हैं। लेकिन साथ में ये भी चाह रहे हैं, जब उन लोगों की कुटीर आ गई चरणों में तो हमारी भी आ जाए। हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? इन लोगों के पास छत नहीं है। और एक और समस्या मूल रूप से सामने आ रही है कि इन लोगों ने पहली किस्तें 1 लाख की तो डाल दी, बाकी की किस्तें इन लोगों ने नहीं डाली। मतलब इन्होंने दीवारें अकेली उठवा दी, छत की कोई व्यवस्था इनसे हुई नहीं है। तो आप लोगों से, पत्रकार बंधुओं से, आप लोगों से, विशेषकर से आप लोगों से उम्मीद है कि आप इस मुद्दे को आप अपनी आवाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा उठाकर और आप सहयोग करें हम सबका। और इन जो गरीब हैं, जिन लोगों को जो जगह नहीं मिल रही, जिन लोगों के सर पर छत नहीं है, उनको छत दिलाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। की भूमि है और पास में रहवासी भूमि है, मतलब किस प्रकार का काम चल रहा है ये कुटियों का, कि जो 1 नंबर दे दिया उसी में चरनोई दे दी और जस्ट पास में उसके रहवासी कॉलोनी के दे दी, तो इस प्रकार से समस्याएं जो आ रही हैं उसके संबंध में आप क्या कहेंगे? और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साथ आम जनता के द्वारा मुझे प्रधानमंत्री आवास में चरनोई की भूमि के संबंध में आवेदन पेश किया गया है। मूल रूप से समस्या इसमें है, ये बता रहे हैं कि चरनोई की भूमि में कुछ लोगों को पीएम आवास आवंटित हो रहे हैं और अन्य लोगों को नहीं। जी, नियमानुसार चरनोई की भूमि में पीएम आवास आवंटित नहीं होता है। मैं संबंधित फाइल मंगवाकर देख लेता हूँ किन परिस्थितियों में ये हुआ है और हुआ भी है या नहीं, तो अवश्य कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद सर। खबर समय जगत के लिए साड़ौरा से पुष्पराज यादव की रिपोर्ट। Latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.